मोदी जी के सामने मैं स्वयं गया और हमने उनसे कहा कि हिंदुस्तान का किसान रो रहा है, हर रोज आत्महत्या कर रहा है, आपसे हिंदुस्तान के किसान ने ये तीन चीजें मांगी हैं। अमीर लोगों का आप कर्जा माफ करते हो, 1,10,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ करा, आप हिंदुस्तान के किसान का कर्जा माफ करो। मैंने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को कहा आप हिंदुस्तान के किसान का कर्जा माफ करो, सवाल का जवाब नहीं दिया, उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। यह है हिंदुस्तान की सच्चाई। मजदूरों के बारे में नरेंद्र मोदी कहते हैं, पार्लियामेंट में कहा कि ये लोग पूरा दिन गड्ढा खोदते हैं, पूरा दिन गड्ढा खोदते हैं, मनरेगा को उन्होंने गड्ढा खोदना कहा। नरेंद्र मोदी जी, हिंदुस्तान का मजदूर गड्ढा नहीं खोदता है, हिंदुस्तान को बनाता है। और आपने मनरेगा को खत्म करने की कोशिश की, आपने मनरेगा का मजाक उड़ाया, आपने हिंदुस्तान के मजदूर का मजाक उड़ाया और हम सब का मजाक उड़ाया। मध्य प्रदेश में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकारें हैं, आदिवासियों से आप उनका जल, उनकी जमीन, उनका जंगल छीनते हो अपने बड़े उद्योगपति दोस्तों के लिए। अगर कोई भी आदिवासी खड़ा होता है, कहता है ये मेरा हक है, ये मेरी जमीन है, आपकी सरकारें उसको गोली मार के गिरा देती हैं। पिछले 2.5 साल में आपने हिंदुस्तान के 1% अमीर लोगों को हिंदुस्तान का 60% धन दिलवा दिया है। यह मेरा आंकड़ा नहीं है, यह सरकार का आंकड़ा है। आज हिंदुस्तान का 60% धन 1% अमीर लोगों के हाथ में है। उससे आगे जाना चाहता हूं, 50 परिवारों के पास है, 50 परिवारों के पास हिंदुस्तान के धन का सबसे बड़ा भाग है। यह नरेंद्र मोदी जी की देन है। इन परिवारों के लोग, नाम मैं नहीं कहूंगा, नाम आप जानते हो, हां, यूथ कांग्रेस के, एनएसयूआई के लड़के बड़े होशियार हैं। इन परिवारों के लोग नरेंद्र मोदी जी के साथ अमेरिका जाते हैं, चीन जाते हैं, उनके जहाज में बैठते हैं। एक तरफ हिंदुस्तान के 99% ईमानदार लोग जो अपना खून पसीना देते हैं, उनका नरेंद्र मोदी जी मजाक उड़ाते हैं पार्लियामेंट हाउस में, और दूसरी तरफ 1% अमीर लोग, 50 परिवार। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या काला धन 99% लोगों के पास है?
या 50 परिवारों के पास है। एक प्रतिशत अमीर लोगों के पास है या 99% हिंदुस्तान के पास है, आप मुझे बताओ। अब देखिए, काला धन क्या है और काला धन कहां है? अगर आप काला धन से लड़ना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले पता होना पड़ेगा कि काला धन है क्या और कहां है। ऑल कैश इज नॉट ब्लैक एंड ऑल ब्लैक मनी इज नॉट कैश। हिंदी में बताता हूं, सारा कैश काला धन नहीं है और सारा काला धन कैश में नहीं है। मतलब जब किसान कैश से बीज खरीदता है तो वो काला धन नहीं होता है। जब मजदूर को कैश में पैसा मिलता है वो काला धन नहीं होता है। जब मिडिल क्लास का कोई जाकर मिठाई खरीदता है उसके जेब में से काला धन नहीं निकलता है। जब छोटा दुकानदार अपना खून पसीना अपनी दुकान में डालता है वो काला धन नहीं होता है। दूसरी बात, पूरा का पूरा काला धन कैश में नहीं है। हिंदुस्तान के जो चोर हैं वो होशियार होते हैं, सही बात है नहीं? हिंदुस्तान के चोर होशियार हैं या नहीं? है ना? हिंदुस्तान के चोर कंजूस हैं या नहीं बताओ भाई? है नहीं है? तो ये जो चोर हैं ये होशियार हैं, कंजूस हैं? जैसे ही इनको पैसा मिलता है ये और पैसा कमाना चाहते हैं। ये अपने पैसे को कैश में नहीं रखते हैं, ये अपने पैसे को रियल एस्टेट में, जमीन में, बड़ी बड़ी इमारतों में, सोने में और विदेशी बैंक अकाउंट्स में रखते हैं। मतलब, और ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार का आंकड़ा है, हिंदुस्तान का सिर्फ 6% काला धन कैश में है, बाकी काला धन 94% काला धन विदेशी बैंक अकाउंट्स में है, रियल एस्टेट में है, जमीन में है और सोने में है। अब सवाल उठता है कि नरेंद्र मोदी जी 6% काले धन के पीछे क्यों दौड़े, 94% काले धन के पीछे क्यों नहीं गए? सिर हिला रहे हैं आप, सही बात है ना? अब देखिए, नरेंद्र मोदी जी को बिल्कुल अच्छी तरह मालूम है कि ज्यादा से ज्यादा काला धन रियल एस्टेट में है, इमारतों में है, जमीन में है और विदेशी बैंक अकाउंट्स में है। मैं ये कैसे कह रहा हूं? क्योंकि पिछले चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ने कैश की बात नहीं की थी, विदेशी बैंक अकाउंट की बात की थी। नरेंद्र मोदी ने यह नहीं कहा था कि मैं 6% काला धन निकालूंगा। उन्होंने कहा था कि लाखों करोड़ रुपया विदेशी बैंक अकाउंट में है और मैं उस पैसे को
वापस लाऊंगा। याद है आपको, नरेंद्र मोदी जी को मालूम है कि ज्यादा से ज्यादा काला धन विदेशी बैंक अकाउंट्स में है। नरेंद्र मोदी जी को मालूम है कि ज्यादा से ज्यादा काला धन 1% लोगों के पास है, 50 परिवारों के पास है, 99% लोगों के पास नहीं है। नरेंद्र मोदी जी को मालूम है कि सिर्फ 6% काला धन कैश में है। उन्होंने आपसे वायदा किया कि 15 लाख रुपए में हर बैंक अकाउंट में